वैसे आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट फ्रॉड के बारे में जो कि काफी ज्यादा चल रहा है इस टाइम पे, और बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है। आपके साथ ये फ्रॉड नहीं हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं साइबर लोन शेकिंग, मतलब कहने का मतलब ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपको लोन प्रोवाइड करा देती है और हमको बहुत सारा कैशबैक देने का वादा करती है और बहुत सारी चीजें देने का वादा करती है, और हम उन एप्लीकेशंस के चुंगल में फंस जाते हैं और हम हमारा पैसा गवा बैठते हैं या हमारी रेपुटेशन या हमारा पर्सनल डाटा, बहुत सारी चीजें ये हमारे साथ में शेयर कर लेते हैं और फिर बाद में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे, किसी भी एप्लीकेशन का मैं यहाँ पे नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि आपको वादा करती है कि आप हमसे ये लोन ले लो, हम आपको 2% दे देंगे, फिर कैशबैक दे देंगे 5%, फिर आपको फीस भी वेवर कर देंगे, ये भी कर देंगे। भैया पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते, इनडायरेक्ट में किसी ना किसी प्रकार से आपसे या तो आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे वो आपके बिना किसी परमिशन के, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो धड़ाधड़ सारी परमिशन को आप अलाउ कर देते हो, वो आपके फोन को पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते। तो किसी भी एप्लीकेशन को पहली बात तो सारी परमिशंस मत दीजिएगा, खास करके एसएमएस वाली परमिशंस बहुत जरूरी हो तो ही प्रोवाइड करना, नहीं तो एसएमएस वाली परमिशन प्रोवाइड नहीं करानी है। अभी बात करते हैं जो लोन वाली जो एप्लीकेशंस होती है वो किस बेसिस पे काम करती है और कैसे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। जितनी भी लोन वाली एप्लीकेशन होती है वो लो इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको बोलती है कि हमसे लोन ले लो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी कुछ ज्यादा कार्रवाई के, और साथ में बोलती है कि हम आपको ये दे देंगे, इतना कैशबैक दे देंगे। तो लोग यूजर आ जाते हैं और फंस जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो फिर बाद में दिक्कत ये होती है कि जब इनका पैसा अगर आप किसी कारणवश नहीं चुका पाते हो, यानी कि अगर आप रीपेमेंट जो है वो टाइम पे नहीं कर पाते हो, तो ये लोग अगर उनका रीपेमेंट आपने टाइम पे नहीं किया, पहली बात तो फाइन लगाएंगे, और फाइन भी यदि नहीं देते हो आप सोचते हो मैं तो देने वाला नहीं हूँ या वगैरह वगैरह, तो बहुत आपका सिविल खराब कर देंगे। साथ में आपका जो पर्सनल डाटा है वो फोन से ऑलरेडी पहले ही वो एक्सेस कर चुके होते हैं, कुछ ऐसे आपके जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स है या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उन लोगों तक पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्राइवेसी है उस पर थोड़ा सा खतरा हो जाता है। तो इन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले कुछ आपको सावधानियां रखनी होती है। तो अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो कुछ आपको सावधानियां बता रहा हूँ, इनको जरूर से आप फॉलो कर लीजिएगा, तभी आपके बारे में या तभी आप पैसे जो आपके हैं पूरे सेफ रह पाएंगे। यहाँ पे रिसर्च कर लो पहले तो कंपनी के बारे में अच्छे से कि भैया कौन सी कंपनी क्या है क्या नहीं है, ऐसे ऐरी गरी नत्थु गरी से कोई कैशबैक के चक्कर में लोन मत ले लेना। दूसरी चीज, ऑलवेज अप्लाई लोन फ्रॉम आरबीआई रेपुटेड कंपनीज, या मतलब आरबीआई रेपुटेड जो भी आरबीआई जिनको अप्रूव करता है फाइनेंशियल सर्विस फंडामेंटल्स के, उन्हीं से आपको लोन लेना है। मतलब ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं कि जो आज यहाँ पे बाजार में आई है कल आपको लोन दे दिया, परसों वो भाग गई, कुछ और हो गया, या आपका डाटा लीक हो गया। आए दिन हम बड़ी बड़ी जो बहुत रेपुटेड कंपनीज है उन्हीं में हमारा डाटा सेफ नहीं रह पा रहा, तो ये तो जो आते रहते हैं ना उनमें तो हमारी कहाँ से प्राइवेसी, आप प्राइवेसी हमारा डाटा सेफ रह पाएगा। और आपको एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपको ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन से यदि लोन लेना है तो आप किसी भी अनवांटेड सोर्स, मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे इसको मेरे लिंक से ले लेना, मैं तुम्हें 500 का कैशबैक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 5,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नहीं भैया, हमें किसी प्रकार का कोई भी अनवांटेड लिंक या किसी के कहने से कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है, हमें पूरी अपनी समझ से या जब हम खुद वेरीफाई हो जाए कि हाँ भैया इस एप्लीकेशन पर मुझे ट्रस्ट है, मैं इसे यूज कर सकता हूँ, मुझे भरोसा है, तभी आप इसे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में छोटी मोटी जानकारी जरूर से आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।